दोस्तों नमस्कार, हमारे कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी दर्शकों का मैं वारिस खान स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेडिकल स्टोरों पर हो रही कालाबाजारी की। दरअसल में होता कुछ यूं है कि एमआर हर डॉक्टर के पास जाकर अपनी कंपनी की सैंपल की दवाइयां डॉक्टर्स को देते हैं और डॉक्टर्स अपने मरीजों को ये दवाइयाँ निःशुल्क देते हैं। मेडिकल स्टोर पर ये दवाइयाँ पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। अगर ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर पाई जाती है तो उनके लाइसेंस के निलंबन के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी हो सकती है। मेडिकल स्टोरों पर हो रही कालाबाजारी के चलते SW24 टीम ने आपसे कहा था कि हम एक बड़ा खुलासा करेंगे। इस बड़ा खुलासा करने में चैनल को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई रसूखदारों के फ़ोन भी आए, दबाव बनाया गया और झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए। पर SW24 न्यूज़ एक निर्भीक निडर न्यूज़ चैनल है और आपके लिए, आपकी बात को रखने के लिए इन सभी दबावों को दरकिनार करते हुए एक बड़ा खुलासा कर रहा है। खरगोन की एक नामी मेडिकल स्टोर है कैश केमिस्ट और यहाँ होता है नॉट फॉर सेल का खुला व्यापार। यहाँ बैठा ये जो शख्स है इसका नाम है कचरू महाजन और इन्हीं की दुकान से खुलेआम बिकती है नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ। और हद तो तब हो गई जनाब जब ये बता रहे हैं कि हम तो सेवा का काम कर रहे हैं। अब आप ही देखें कि फ्री की दवाई को पैसों में बेचकर ये कौन सी सेवा कर रहे हैं। देखिए इस शख्स को जो कैमरे के सामने अपने आप को लाचार बता रहा है और माफी मांग रहा है, पर दरअसल में यही इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। तो मेरे को वही बता रहा हूँ भाई, हो गई इस शख्स के बारे में जिला मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी यही कहना है कि इनकी दांतों पर खून लग चुका है और हजार बार समझाने के बाद भी ये नहीं समझ रहे हैं। बात तो उससे बात पहले मैं समझ लूँ अच्छी तरीके से, मैंने कहा कस्तूर भाई से तो बात हो गई मेरी। क्या कि अब सर से बात कर लेता हूँ मैं, क्या जमाता हूँ। तो कच्चे वैसे सर वो कुछ भी नहीं है, साले नालायक लोगों के दाढ़ में खून लगा हुआ है। हाँ। उनको पैसे के अलावा कुछ भी नहीं, इतने नालायक है कि अच्छे ज्यादा लोग। यह खेल इस शख्स के लिए कोई नया नहीं है। कई सालों से शख्स मेडिकल स्टोर पर कालाबाजारी का काम कर रहा है और हर शाम को डॉक्टर बनकर हर किसी को दवाई भी देता है। किसी भी मरीज को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाकर उसे बताता है तो ये शख्स खुद ही डॉक्टर बनकर पूरा ट्रीटमेंट कर देता है। अच्छा हो जाएगा दारू फायदा 3-4 दिन में। और त्रिफला हर्बल चूर्ण बाद में हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण हो जाएगी ऐसा को। हां दो दिन में निकल जाएगा। ऐसा होता तो डॉक्टर को चेक करवा तो रेगिन मामला बढ़े। तो बताने बाद में बताओ ना, पहले ये टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले ये अपन कर लेते हैं। वीडियो वीडियो देखा जा रहा है। बात है वो गरीब ने आटा करवाया, गरीब तो है नहीं देता, गरीब का डॉक्टर नाम लेता है नहीं यार। वहाँ तो गरीब डॉक्टर है नहीं अपने इधर तो। ठीक है पहले इसको देखते हैं 3-1 दिन। हाँ चलो क्या बात कर रहे हैं। जब हमारे कैमरामैन इनके पास गए तो पहले यह हाथ पैर जोड़ने लगा और बाद में अपनी रसूखदारी दिखाते हुए शहर के उन तमाम बड़े लोगों से फ़ोन भी लगवाया। बहुत दबाव बनाया गया और चैनल को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। चैनल द्वारा CHMO रमेश नीमा को फ़ोन कर मेडिकल स्टोरों पर हो रही कालाबाजारी की सूचना दी तो उन्होंने चैनल पर अपना गुस्सा जताया और कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरा मामला ड्रग इंस्पेक्टर पर थोप दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। SW24 न्यूज मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी सर, ये खरगोन के अंदर जो मेडिकलों में जो नॉट फॉर सेल की दवाइयों का जो सेल हो रहा है उसके लिए सर एक आपकी बाइट चाहिए थी हमें, तो कहाँ मिल पाएंगे आप? नहीं मेरे को बाइट नहीं रहता सर, उनकी मैं ड्रग इंस्पेक्टर है मेरे पास। सर ड्रग इंस्पेक्टर कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, 3 दिन से कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं उनको। हाँ तो मैं नहीं दूंगा बाइट, तो मैं अभी बाहर हूँ। वैसे कलेक्टर साहब से बात हुई थी, कलेक्टर साहब ने आपका बताया हमें। ठीक है मैं बाहर हूँ अभी। तो कब तक आएंगे आप? मैं रात को 10 बजे आऊँगा। तो रात को 10 बजे फिर आपको कॉल करें। ठीक है। SW24 न्यूज़ से बोल रहा था। हाँ सर आप खरगोन आ गए सर? आप तो खरगोन में ही हूँ बहुत दिनों से। तो आपने हमने आपसे कल कॉल किया था, आपने कहा था मैं बाहर हूँ। हमें वो खरगोन जिले में और कहीं था मैं। हाँ बोलिए क्या काम जी? है जी सर, आपका एक छोटा सा एक बाइट लेना थी इसमें खरगोन के लिए। मैं बाइट वाइट देता नहीं, मेरी आदत नहीं है। क्या की बाइट है? बाइट सर इस मामले की है कि खरगोन में मेडिकल स्टोरों पर नॉट फॉर सेल की दवाइयाँ बिक रही है खुले। ड्रग इंस्पेक्टर से लीजिए, मैं कोई बाइट नहीं देता हूँ इसमें। तो सर इसमें आपका कोई वो? मैं नहीं देता हूँ सर बाइट। ठीक है
अब आप ही बताइए कि इनकी बातों को सुनकर आपको नहीं लगता कि मेडिकल स्टोरों की कालाबाजारी में इनका भी हाथ हो सकता है? ड्रग इंस्पेक्टर कपिल नागर को चैनल द्वारा लगातार 4 दिनों तक कॉल किया गया, पर वह कभी इलेक्शन तो कभी अपने पारिवारिक कार्यों में बिजी होना और अवकाश पर रहने की बातें कहकर बातों को टालते रहे। केस केमिस्ट्री के मालिक जब हम पर दबाव नहीं बना पाए और उनसे कुछ ना बन पाया तो उन्होंने चैनल की छवि को धूमिल करने की कोशिश भी की और सभी को कहा कि हम उनसे रुपये मांग रहे हैं, जो सरासर गलत है। यह थी हमारी आज की खबर। और भी बड़े और गंभीर मामलों में हमारा चैनल अगले एपिसोड में पूरा खुलासा करेगा। जब तक आप सतर्क रहें और यदि आप भी किसी मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल जरूर ले लें और उस दवाई को पूरी तरह से जांचें कि उस पर एक्सपायरी डेट और कीमत लिखी है या नहीं। यदि ऐसा कोई मामला आपके सामने आए तो हमारे चैनल पर तुरंत संपर्क करें, हम आपकी खबर को पूरी प्राथमिकता के साथ चैनल पर दिखाएंगे। नमस्कार।